हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अश्वनी कुमार गुड़। मैं आपके सामने लेकर आऊँ पाइथन का एक नया लेक्चर, जिसमें आज मैं बात करूँगा टर्नरी ऑपरेटर के बारे में, या फिर कहेंगे सिंगल लाइन इफ एक्सप्रेशन के बारे में, या फिर हम कहेंगे कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में। तो मेरे साथ बने रहिए प्रोग्रामिंग विद अश्वनी में। तो मैंने आपसे क्या बात किया था, मैंने टर्नरी ऑपरेटर के बारे में बताया। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, पहले मैं नोट पैड ओपन कर लूँगा यहाँ अपना और एंटर करेंगे यहाँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक बात समझ लेते हैं, क्या समझ लेते हैं कि जैसे हमने पढ़ी है सी, सी पी पी पढ़ी है, सी प्लस प्लस पढ़ी है, या फिर जावा पढ़ी है, ठीक है। तो उसके अंदर जो टर्नरी ऑपरेटर का जो मतलब होता था वो ये होता था कि इसके अंदर क्या होते हैं टर्नरी ऑपरेटर, उस ऑपरेटर को हम बोलते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं हमारे तीन क्या होते हैं ऑपरेंड होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। तीन ऑपरेंड होंगे तो हमारे पास क्या होगा, टर्नरी ऑपरेटर होगा। दो ऑपरेंड होंगे तो हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर होगा, और हमारे पास एक ऑपरेंड होगा उसे तो हम क्या बोलेंगे, यूनरी ऑपरेटर बोलेंगे, ठीक है। तो मैंने जैसे कि मैं बताऊँ आपसे, सी प्लस प्लस लिखा मैंने, एक्स प्लस प्लस लिखा या लिखेंगे इसे, यूनरी ऑपरेटर हो गया। अगर मुझे मैंने लिखा यहाँ 3 प्लस 4 तो क्या हो गया, ये बाइनरी ऑपरेटर हो गया। अगर मैंने यहाँ लिख क्या लिखा, मैंने यहाँ लिखा 3 लिखा, 3 के बाद में मैंने क्या करा, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया, उसके बाद में मैंने क्या लिखा, ठीक है, फिर कोई वैल्यू दी, ठीक है, उसके बाद में मैंने फिर कोलन लगा दिया, और फिर मैंने क्या लिखा, फिर 5 लिख दिया। तो ये क्या है हमारे पास, टर्नरी ऑपरेटर है। क्या है हमारे पास, टर्नरी ऑपरेटर है। तो ये सी या सी प्लस प्लस की बात थी। अगर मैंने कहीं लिखा हुआ है, अगर हम इस चीज को ऐसे भी ले सकते हैं, तो ये वाली क्या है हमारे पास, ये जो है ये टर्नरी ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है, टर्नरी, टर्नरी ऑपरेटर, ये टर्नरी ऑपरेटर है उसके अंदर हमारे पास, ठीक है। अब हम एक चीज और देख लेते हैं इसमें, आप या तो इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, जैसे मैंने इफ इफ लगाया, ठीक है, इफ में मैंने यहाँ क्या कर दी, कंडीशन दी, कोई भी मैंने कंडीशन दी, और कंडीशन देने के बाद सॉरी फॉर दैट, मैंने क्या लगा दिया है, कंडीशन दी, और कंडीशन देने के बाद मैंने ये लिख दिया ऐसे, इसे हम पाइथन में बता रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर मैंने यह लिख दिया, जो भी मुझे कुछ लिखना हुआ, या लाइन ऑफ कोड जो भी लिखना हुआ मुझे, ठीक है। उसके बाद में मैंने इंडेंटेशन सेट की, और वहाँ क्या लिख दिया, एल्स लिख दिया, ठीक है। एल्स लिखने के बाद मैंने फिर यहाँ कोई अपना क्या दिया, यहाँ कोई स्टेटमेंट दिया है यहाँ, ठीक है, और ये जो है यहाँ मैंने भी कोई अपना इंडेंटेशन लगाई, यहाँ यहाँ गया मैं, और यहाँ आया मैं, यहाँ से इंडेंटेशन लगाई यहाँ, और मैंने यहाँ भी क्या लिखा, कोई स्टेटमेंट लिखा अपना, ठीक है। अब इसमें इंडेंटेशन होता क्या है, इंडेंटेशन ये होता है हमारा, ठीक है, इंडेंटेशन होता है ये कि जब हम कोई स्पेस क्रिएट करते हैं, एक तो ये स्पेस, जैसे हम यहाँ एंटर प्रेस करेंगे तो बाय डिफॉल्ट एक अपने आप ही स्पेस ले लेगा, तो इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन बोलते हैं। और जो भी ये स्पेस लेगा, सभी स्टेटमेंट उसी स्पेस से क्या होंगी, हमारी स्टार्ट होंगी, अदरवाइज क्या आगे हमें एरर मिलेगी, ठीक है। तो अगर हम इस चीज की बात करें, ठीक है, इफ की बात करें, तो इफ जो कंडीशंस जो होती हैं, इफ वाली जो लिखा हुआ होता है, इज नॉट एन एक्सप्रेशन, इज नॉट एन ई एक्स पी आर ई डबल एस आई ऑन, ये क्या नहीं होता, एक्सप्रेशन नहीं होता, ठीक है, क्या नहीं होता, ये एक्सप्रेशन नहीं होता। क्यों, एक्सप्रेशन वो चीज होती है जिसमें हम क्या फाइंड करते हैं, आउटपुट में हमें कोई वैल्यू प्राप्त होती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं। अब हम पाइथन में क्या बात करते हैं, या तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये तो इफ कंडीशन हो गई ये, लेकिन ये क्या नहीं है, एक एक्सप्रेशन नहीं है। लेकिन मैंने आपसे जो बात की थी वो टर्नरी ऑपरेटर के बारे में बात की थी, या फिर सिंगल लाइन इफ एक्सप्रेशन के बारे में बात किया था, या फिर कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में बात कर रहे थे। तो अब इसमें होता क्या है, तो हम इसका सिंटैक्स कैसे लिख सकते हैं, सिंटैक्स कैसे लिख सकते हैं,
सिंगल लाइन इफ एक्सप्रेशन, ई एक्स पी आर ई डबल एस आई ओ एन, सिंगल लाइन एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा इसका सिंटैक्स होता है भाई ये होता है, सबसे पहले हम पहली वैल्यू लिख देते हैं, पहली वैल्यू, उसके बाद हम आफ्टर दैट हम क्या लिखते हैं, इफ लिखते हैं, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, कंडीशन देते हैं, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, एस लिखते हैं, और उसके बाद में क्या लिखते हैं, वैल्यू टू लिखते हैं। तो ये जो हमारा सिंटेक्स है, ये जो इतना सिंटेक्स है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक जो सिंटेक्स है, ये क्या है हमारा सिंगल इफ, क्या है सिंगल इफ एक्सप्रेशन दी हुई है, ठीक है। तो पहली वैल्यू तो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, और दूसरी वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे। जो हमारी पहली वाली वैल्यू जो होती है वो हमारी कौन सी कंडीशन व्यक्त करती है, वो ट्रू कंडीशन। अगर ट्रू कंडीशन होगी तो हमारी पहली वैल्यू प्रिंट होगी, अगर हमारे पास फॉल्स कंडीशन होगी, अगर हमारे पास क्या होगी, फॉल्स कंडीशन होगी तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, फॉल्स वैल्यू, तो सेकंड वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है, फॉल्स होगी तो सेकंड वैल्यू हमारी क्या होगी, हमें प्रिंट होगी, ठीक है, ठीक। अब हम, मैंने आपसे दोबारा रिपीट करा देता हूँ मैं, अगर हमारे यूनरी ऑपरेटर तो होते हैं ये होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर ये होते हैं जिसमें दो ऑपरेंड होते हैं, भी बाइनरी ऑपरेटर होते हैं जिसमें सिंगल ऑपरेंड होता है, वो क्या होता है हमारा यूनरी ऑपरेटर होता है, जो टर्नरी ऑपरेटर जो होता है उसमें क्या होते हैं, तीन ऑपरेंड होते हैं। लेकिन जो ये सिंटैक्स है ये हमारा कैसा सिंटैक्स, सी सी प्लस प्लस से जावा में ऐसा सिंटैक्स हम लिखते थे। लेकिन अगर हम पाइथन की बात करें तो जो पाइथन में सिंपल वाला जो इफ होता है, मैंने ये लिख कर दिखाया आपको, ये एक प्रकार का एक्सप्रेशन नहीं होता है, क्या नहीं होता है, एक प्रकार का एक्सप्रेशन नहीं होता है, ठीक है। अब हमें क्या लिखना है, सिंगल लाइन इफ एक्सप्रेशन लिखना है, तो उसका जो सिंटैक्स होता है वह हमारा क्या होता है, ये होता है, ठीक है। जो इसमें पहली वैल्यू होती है वो ट्रू, मतलब अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो पहली वैल्यू प्रिंट होगी हमें, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारी दूसरी वैल्यू प्रिंट होगी। अब हम चलते हैं अपने पाइथन सेल पे, पाइथन सेल पे जाने के बाद मैं आपको एक कंडीशन बताऊंगा इफ एल्स के बारे में। तो मैंने एक प्रोग्राम ये बना रखा है, तो इसमें समझा देता हूँ मैं इफ एल्स क्या होता है। मैंने यहाँ इनपुट ले रखा है ए में, ठीक है, बी में और सी में, मैंने तीन वेरिएबल क्रिएट कर रखे हैं, यहाँ कंडीशन दे रखी है इफ, यहाँ एलिफ लगा रखा हो या एल्स लगा रखा है, तो ये तो हमारी होगी इफ कंडीशन। लेकिन मैं सिंपल इफ कंडीशन की बात कर रहा हूँ, सिंगल इफ कंडीशन एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ, तो अब हम उसे कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ लिख दूंगा प्रिंट, प्रिंट लिखने के बाद मैं यह लिख दूंगा हेलो, फिर इफ लिखूंगा, फिर मैं क्या दूंगा यहाँ कंडीशन दूंगा, तो मैंने कंडीशन पहले से क्या दे रखी है, ट्रू दे रखी है, कंडीशन ट्रू कर दी मैंने पहले से ही यहाँ, कंडीशन पहले से ही ट्रू कर दी है मैंने यहाँ, लिख दिया ई एल एस, एल्स लिख दिया है, और फिल क्या लिख दिया मैंने, बाय, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं जैसे ही इसे कंट्रोल एस कराऊंगा, सेव हो गया मेरा ये, और मैंने पहले से फाइल सेव कर रखी थी, किस नाम से, 876.py के नाम से, ठीक है। और मैं जैसे ही इसमें F5 प्रेस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा हेलो मिलेगा। मुझे हेलो ऐसा क्यों क्यों मिलेगा, मुझे हेलो इसलिए मिलेगा क्योंकि मैंने यहाँ कंडीशन क्या दे रखी है, ट्रू कंडीशन दे रखी है मैंने, ठीक है। तो मैंने आपसे बताया था, जब इस सिंटैक्स में आप देख लो, ठीक है, मैंने ये बताया था, जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो हमें पहली वैल्यू प्रिंट होगी, लेकिन जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो मुझे दूसरी वैल्यू प्रिंट होगी। मैंने आपसे ये बताया था, नहीं बताया था कि अगर कंडीशन मेरी ट्रू होगी तो मुझे पहली वैल्यू प्रिंट होगी, और कंडीशन फॉल्स होगी तो मुझे क्या प्रिंट होगी, मुझे दूसरी वैल्यू प्रिंट होगी यार, ठीक है। अब मैंने ये आपको यहाँ प्रैक्टिकल भी करके दिखा दिया है, ठीक है। अभी ट्रू हो गई तो ट्रू वैल्यू प्रिंट हो गई, लेकिन मैं अगर यहाँ दूसरी लाइन लिख दूँ, ऐसे ही मैं लिख दूँ print, प्रिंट लिख दूँ HELLO,
हेलो के बाद लिख दिया मैंने इफ, इफ के बाद लिख दिया फॉल्स, एफ ए एल एस ई फॉल्स लिख दिया, और यहाँ ई एल एस एल्स लिख दिया यहाँ, और लिख दिया बी बाय बाय। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया, कंट्रोल एस से प्रेस करूँगा मैं, और मैं F5 जैसे प्रेस दबाऊँगा, तो मुझे क्या मिला, पहले क्या मिला मुझे, हेलो मिला, लेकिन सेकंड नंबर पर क्या मिला मुझे, बाय मिला। तो यही अंतर है, अगर मैं यहाँ कंडीशन यहाँ फॉल्स करूँगा तो यहाँ बाय प्रिंट होगा, अगर कंडीशन ट्रू कर दूंगा मैं यहाँ तो मुझे क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। ठीक है, ठीक है, अब हम बात क्या करते हैं, अब नेक्स्ट नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, होता क्या है। ठीक है, अब हम इसमें क्या बनाते हैं, हम एक प्रोग्राम बना के देखते हैं। ठीक है, प्रोग्राम लिखते हैं हम, अब देखते हैं कैसे। एक सिंपल ढंग से हम एक समझ लेते हैं, एक प्रोग्राम टाइप करके दिखाता हूँ मैं इसमें। मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, एक्स नाम का वेरिएबल क्रिएट किया, और उसमें क्या लगा दिया, इंट लगा दिया। इंट क्या है, यहाँ टाइप कन्वर्जन है। ठीक है, तो इंटीजर टाइप कन्वर्जन है। फिर मैंने क्या इनपुट दिया, क्या दिया यहाँ, इनपुट, क्योंकि मैं यूजर से इनपुट कराना चाहता हूँ। और मैंने क्या कर दिया यहाँ, एंटर फर्स्ट नंबर, क्या कर दिया मैंने, एंटर फर्स्ट नंबर कर दिया। ठीक है, और मैंने ऐसे लिख दिया। फिर मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा वाई नाम का, उसमें भी ऐसे ही करूंगा, वाई नाम का वेरिएबल बनाऊंगा मैं, और इसमें लिखूंगा मैं इंट, फिर इनपुट लिखूंगा। इनपुट लिखने के बाद मैं क्या लिखूंगा यहाँ, एंटर सेकेंड नंबर, एंटर सेकेंड नंबर लिख दूंगा मैं। ठीक है, फिर मैं इसमें एक वेरिएबल और बनाऊंगा जेड नाम का। अब जेड में मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं लिख दूंगा एक्स, लिख दूंगा जो एक्स, सॉरी फॉर दैट, अब मैंने स्मॉल लेटर में लिखता हूँ, जेड इक्वल्स टू, मैं क्या लिख दूंगा यहाँ, एक्स लिख दूंगा। फिर मैं वो कंडीशन लगाऊंगा, सिंगल इफ कंडीशन लगाऊंगा, इफ एक्सप्रेशन लगाऊंगा मैं लिख दूंगा इफ लगा दूंगा यहाँ। ठीक है, उसके बाद अगर एक्स कंडीशन लगा दी, एक्स ग्रेटर देन बाई, ठीक है, उसके बाद मैं लिखा एल्स, ठीक है, एल्स क्या है, बाय। ठीक, तो पहली वैल्यू मैंने लिखी एक्स लिखी, अगर मेरी कंडीशन ट्रू होगी तो मुझे एक्स मिलेगा, अगर मेरी कंडीशन फॉल्स होगी तो मुझे बाय मिलेगा। अगर एक्स की वैल्यू बड़ी है, 22 है, तो मुझे एक्स एक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, अगर बाय की वैल्यू बड़ी है एक्स से, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगा, तो और मुझे क्या प्रिंट होगा, बाय प्रिंट होगा। ठीक है, अब मैं लिख दूंगा यहाँ प्रिंट, प्रिंट लिख दूंगा मैं यहाँ जनरेट वैल्यू, प्रिंट लिख दूंगा प्रिंट दी वैल्यू, मैंने यहाँ लिख दिया ऐसा करके, और मैंने क्या लिख दिया, कोमा लगाया, और जेड जो है वो यहाँ प्रिंट करा दिया। ठीक है, कंट्रोल एस प्रेस किया मैंने, कंट्रोल एस प्रेस किया, और जैसे ही मैं F5 प्रेस करूंगा, और पहला नंबर क्या दूंगा मैं यहाँ, ठीक है, मैंने दिया यहाँ 56 दिया, सेकंड नंबर मैंने दिया 57 दिया, और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो प्रिंट द वैल्यू इन 57। क्यों, क्योंकि 57 क्या है, 56 से क्या है, बड़ी है। ठीक है, ठीक है, तो जब 56 से बड़ी होगी तो कंडीशन क्या होगी, यहाँ फॉल्स होगी, तो मुझे क्या वैल्यू मिली, बाई की वैल्यू मुझे प्रिंट होगी। लेकिन अगर मैं ऐसा करूँ, F5 मैं प्रोग्राम को दोबारा से रन कराऊँ, अगेन रन कराऊँ, मैं लिखूँ यहाँ 78, और यहाँ लिख दूँ मैं 9 लिख दूँ, जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो मुझे क्या प्रिंट होगा, 78 प्रिंट होगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा आज, हमने एक सिंगल इफ, क्या बोलेगा, सिंगल लाइन इफ एक्सप्रेशन के बारे में मैंने बात की। ठीक है, जो क्या है, हमारी एक प्रकार की कंडीशंस को व्यक्त करता है, पहले इसमें इसका सिंटेक्स इस प्रकार से है, ठीक है, ठीक, और एक प्रकार की क्या है, एक्सप्रेशन है, ठीक, और उसके बारे में मैंने एक एग्जाम्पल भी रन करके दिखाया आपको, एक प्रोग्राम मैंने बना के दिखाया कि आप कैसे इफ एल्स कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, मैंने इस प्रोग्राम के बारे में बताया और इसे प्रिंट भी करा कर दिखाया। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए प्रोग्रामिंग भी दशवनी में, और लेक्चरों के बारे में जानते रहे। थैंक यू वेरी मच।